मेन मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा इससे जो पहले वाला ब्लॉक है वो है, वो श्वेत थाम वाला ब्लॉक है। जैत थाम जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जैत थाम है, तो उसको भी देखना दोस्तों और लाइक करके बताना कैसा बना है वीडियो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मेन मंदिर की तरफ। दोस्तों इधर तो बहुत ही भीड़ है, अभी पहुँचे भी नहीं है, बहुत दूर है, तो भी इसे देखिए इधर भीड़ में कमी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर से बहुत ही भीड़ बढ़ना शुरू हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो देखिए यहाँ पास पास में तो दुकान की कोई कमी नहीं है, और जितना भी दुकान है सब लेडीज़ों का है, किसी में चूड़ी है, किसी में चप्पल है, किसी में और कुछ है। हम जेंट्स के लिए तो कोई दुकान ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पास तीन लाइनें लगी हुई हैं, ये जो हैं वो पोश नाप रहे हैं उन लोगों के लिए हैं, ये वापस आने के लिए हैं, और वो हैं अंदर जाने के लिए। तो हम लोग इधर बाईपास से जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अमृत कुंड और चरण कुंड के ये रास्ते हैं, तो हम लोग अमृत कुंड और चरण कुंड जा रहे हैं। तो देखते रहिए हमारे फुल ब्लॉक हमारे चैनल गुलशन गेंद्री पर मिलेगा, तो देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फाइनली दोस्तों हम लोग ये अमृत कुंड के रास्ते पे तो आ गए हैं। तो हम लोग अमृत कुंड और चरण कुंड दोनों एक ही रास्ते पे हैं, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ बाबा जी का अमृत कुंड से नाम से ही पता चल रहा है कि ये अमृत कुंड, वहाँ चरण कुंड मतलब बाबा जी का वहाँ पास, चरण मतलब चरण स्पर्श हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से शुरू होता है, ये जो दिख रहे हैं आप लोगों को ये है अमृत कुंड और चरण कुंड मार्ग। ये ऊपर से मंदिर से आएंगे तो वो ऊपर का रास्ता मिलेगा, हम लोग नीचे से जा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा खाली मिलेगा, ऐसे करके नीचे आए हैं। तो देखिए यहाँ भी सारे के सारे जो दो दुकानें लगी हुई हैं वो लेडीज़ के ही लिए हैं, हम जेंट्स के दुकान कुछ है ही नहीं। तो इधर देखिए इधर हमासम जंगल है, यहाँ तो बहुत घूमे हैं जंगल में। यहाँ देखिए खाली बॉटल को 10 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हमारे मामा ललित को देखिए, वो तो बहुत ही उदास हो गए, पता नहीं किस लिए वो उदास हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ तो काफ़ी नीचे हैं वो, हम लोग बस जा रहे हैं। इधर बगल में तो खाई है, समझो आप खाई ही तो बोलूँगा मैं। इधर देखिए वैसे तो बहुत ही अच्छा लगता है गिरौतपुरी। ये देखिए यहाँ से और बहुत ही भीड़ हो गया है, तो स्पेस तो बहुत ही कम आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि मेरा आवाज़ तो कम ही आएगा क्योंकि मैं दिन भर से तो बोल ही रहा हूँ, बोल दोस्तों थक गया हूँ बहुत। जहाँ भी देखो दुकानें लगी हैं सब लेडीज़ के ही हैं, मतलब लेडीज़ के सामान ही हैं। पहली बार यहाँ पर जो कुछ पर वही 2-3 सामानों का लिए है वो जेंट्स के पहली बार देखा हूँ मैं यहाँ, पता नहीं लोग कैसे करते हैं क्योंकि पता है लड़कियाँ होती हैं बेवकूफ़, इसलिए सस्ते सामानों का शौक करते हैं वो लोग, मेला में लेते हैं।
तो नहीं आते साढ़े आठ तो बहुत पढ़ने आठ में हम गए तो दोस्तों हम लोग जो अमृत कुंड है उसके लिए पानी के लिए हम लोग को बॉटल ले रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ तो हम लोग वैसे तो पहुँच ही गए हैं चरण कुंड तो ये लोग तो ले रहे हैं बॉटल वाटर रखने के लिए तो मैं यहाँ चल रहा हूँ इधर आगे बढ़ रहा हूँ तो भाई लोग यहाँ तो जूता को निकालना पड़ेगा देखिए दोस्तों वहाँ हम लोग भी जा रहे हैं यहाँ पर पंथी नृत्य भी हो रहा है चरणकुंड में पानी चरणकुंड का पानी लाने के लिए तो ये लोग तो देखिए कैसे हैं जूता पहने करके ये लोग जा भी नहीं रहे तो भाई जो वो रियल है वो तो बताना ही पड़ेगा ना कोई नहीं जा रहा है मैं अकेला जा रहा हूँ ये मेरा एक मित्र है वो मेरे साथ है तो मैं चल रहा हूँ दोस्तों यहाँ तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर पंथी नृत्य भी हो रहा है बहुत ही अच्छा लगता है मनमोहक होता है पंथी का नृत्य तो पानी भरने के लिए बहुत लंबी कतारें पे लाइन लगी हुई है तो देखते हैं कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा वैसे लग रहा है तो दोस्तों देखिए यहाँ से ऐसे पानी इसमें भरा जाता है ये चरण कुंड में मैं चरण कुंड का अंदर दिखा देता हूँ अंदर तो दोस्तों ये हैं इधर से ऐसे घूमने के लिए हैं चरण कुंड का ये मार्ग यही है चरण कुंड यहाँ पर चरण कुंड लिखा हुआ है यहाँ से दिखाता हूँ दोस्तों वहाँ जो दिख रहा है ना वही ग्रीन में तो वही हैं हमारे कैंपस के लोग तो इतना अच्छा तो नहीं आ रहा और क्लियर तो हम लोग चलते हैं इधर ये है कुंड यही है चरण कुंड देखिए दोस्तों यहाँ चरण कुंड का पानी लेने के लिए लोग कितना ज़्यादा उत्साह से आया हुआ है तो ये पंजाब वाले भाई हैं तो ये भी लोग आए हैं जय सतनाम जय सतनाम एक नारा एक इनाम जय सतनाम जय सतनाम जय जय सतनाम जय सतनाम दोस्तों ये लोग तो बहुत पंथी में नृत्य करने वाले हैं तो मैं भी अमृत कुंड पी रहा हूँ अच्छा ओके चरण कुंड चल स्नान कर लिया तो मैं भी चलता हूँ अब अमृत कुंड की तरफ तो बनिए रहे दोस्तों ऐसे तो बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ से जल को ग्रहण करने से तो देखते रहिए दोस्तों हम चलते हैं और देख रहे हो तो भाई लोग देखिए दोस्तों मैं भी फिसल गया था वहाँ तो आप लोग भी आएंगे तो संभाल के चलना तो हम लोग अमृत कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं आगे तो हम लोग चरण कुंड
जा रहे हैं हम लोग अमृत कुंड, तो बनिए रहे हमारे साथ, हम लोग आप लोगों को अमृत कुंड का भी दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टैटू बनवा रहे हैं लोग, वैसे तो मुझे उतना पसंद भी नहीं है टैटू, लेकिन मेरे किसी खास को बहुत ही पसंद है टैटू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो सेल लगी हुई है, 150 में मात्र चप्पल, 150 रुपये मात्र। तो इधर ये रास्ता जो कारवार में आता है तो उन लोगों के लिए है। तो इधर खाली खाली लग रहे हैं दोस्तों, अब पता चलेगा आगे जाके। वो देखिए दोस्तों यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को अमृत कुंड। तो फाइनली हम लोग अमृत कुंड पहुँच ही गए। तो दोस्तों ये है अमृत कुंड, यहाँ पर अमृत कुंड का पूरा हिस्ट्री तो मुझे उतना डिटेल में पता नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना ही मुझे पता है कि ये लोग बंदर को चना या कुछ खिला रहा है। ये देखिए लाड़ू खिला रहा है ये। अरे ये बड़ा वाला आ गया। और तो दोस्तों देखिए ये लोग खिलाते हैं, बहुत कुछ आ रहा है। ये एक और आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने कार्य पर प्रगतिशील रहते हैं, तो हम लोग चलते हैं पहले अमृत कुंड। तो देखिए दोस्तों ये हम लोग पहुंच ही गए अमृत कुंड। तो हम लोग तो वैसे यहाँ अमृत कुंड पहुंच ही गए दोस्तों। देखिए यहाँ का माहौल भी बहुत ही भीड़ों वाला है। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ। तो इधर एक मंदिर भी है या जोड़ा जत खाम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जोड़ा जत खाम है। पहले इधर का व्यू ले लेते हैं। यहाँ आर्मी वाले भैया भी आए हैं, CGP। तो देखिए ये है श्वेत खाम डबल ऊपर आरती। तो वो जो आप लोगों को दिख रहा है ना वो है अमृत कुंड। हाँ तो बहुत ही भीड़ लगी हुई है अमृत कुंड में। तो ये अमृत कुंड का जल है, ये तो जल को मानना है कि लोग बहुत ही इसको पीने के बाद बहुत ही संतुष्ट महसूस करते हैं, मतलब कुछ भी समस्या होती है तो उसको दूर करते हैं, ऐसे लोगों का मानना है। तो मैं अमृत कुंड चलता हूँ दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ इधर अमृत कुंड। देखिए दोस्तों ये दादा और दादी लोग दे रहे हैं अमृत कुंड। तो मैं भी अपने बॉटल में दे देता हूँ। दादी इसमें डालना। तो देखिए दोस्तों दादी ने मेरे बॉटल पे तो ये चाड़ी लगा दी, अभी इसमें डाल रहे हैं अमृत का कोन। तो मेरा तो
तो दोस्तों देखिए ये है अमृत कुंड। बाबा जी यहाँ पास आए थे पहले, धुनी राम आए थे, ऐसे ऐसे बहुत से कहानियाँ हैं। तो इसको तो पूरा डिटेल में आप लोगों को यहाँ के पंडित से मिलेगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उतना तो अगले ब्लॉक में दिखाऊंगा। तो देखने के लिए तैयार रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो चलिए दोस्तों यहाँ तो हो गया, अब मैं पास में ले जाके आप लोगों को अमृत कुंड और दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों कितने लोग लाइन पे लगे हुए हैं अमृत कुंड का जल लेने के लिए। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, बहुत ही थक गए हैं और बैठे रहते हैं। पानी के जल के लिए मैं भी जाता हूँ अमृत कुंड और चरण कुंड में। ये लोग बहुत ही आलसी लोग हैं, थोड़े से ही थक जाते हैं। तो वैसे तो मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है, तो मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। तो देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब। हम लोग अब मेन मंदिर का दर्शन करने के लिए अब जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग बहुत सारे मतलब जगहों से घूम ले हैं, लेकिन दो जगह भी और बचा है यहाँ गिरौतपुरी का, जो वो आता है पंचकुंडी के नाम से जाना जाता है। उसमें 5 कुंड हैं और एक है छाता पहाड़, वो तो बहुत मस्त है। हम लोग देखते दोस्तों, हम लोग पीछे के दरवाजे से आ गए यहाँ के मंदिर स्थल। मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, तो लोग तो वैसे इधर से ऐसे जाते हैं, वैसे अभी तो नहीं ही है, लेकिन मेला के समय तो वैसे ही लगा जाता है यहाँ। देखिए इधर देखिए, सभी लोग अपने अपने नारियाँ रखे बांधे हुए हैं अपने श्रद्धा के अनुसार। तो आप लोग भी बांधना चाहते हो तो बांध लें। आप सभी अपने अपने नाम लिखा, जो भी मन्नत है वो भी लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पास, तो दोस्तों पहले मेन मंदिर का दर्शन आप लोगों को पहले करा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना पब्लिक जो है तो किसके लिए होगा, मेन मंदिर के लिए ही होगा। तो देखिए दोस्तों वो है मेन मंदिर। वीडियो बात करना है, वीडियो तो अंदर दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ तो लाइन में तो देखिए इतना लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ से, तो भाई लोग की श्रद्धा ही बहुत है। ये देखिए यहाँ से तो बाहर जाने हैं, तो चलते हैं दोस्तों उधर। दोस्तों यही जो पेड़ दिख रहा है वही है औरतौरा पेड़, तो इसी के नीचे बाबा जी ने धुनी रमाया था। दोस्तों वहाँ से तो हम लोगों को जाने से नहीं मिला है, क्योंकि भीड़ तो बहुत है, लाइन लंबी लगी हुई है। यहाँ पुलिस के साथ में सब ध्यान दे रहे हैं कि कोई इधर उधर से लाइनें ना आए। यही जो आप लोगों को दिख रहा है ये मेन मंदिर है। तो ये है बाबा जी का औरतौरा का पेड़, तो यहीं पे बाबा जी ने धुनी रमन किया था। तो ये देखिए मेन मंदिर यही है। देखिए दोस्तों यही है वो मेन मंदिर, इसी में बाबा जी ने धुनी रमन किया। चलिए दोस्तों हम लोग उधर चलते हैं। इधर आइए दोस्तों, हम लोग और मंदिर बन चुका है यहाँ, उसका भी आप लोगों को नमन कराते हैं।
वैसे तो नया नया मंदिर बनते रहता है हर तीर्थ स्थल पर, लेकिन जो मैंने दिखाया है वही मेन मंदिर है यहाँ का, जिस जहाँ पर बाबा जी ने स्वयं औरत और पेड़ के सामने नीचे होगा वो पता नहीं, लेकिन वहीं पे तो देखिए दोस्तों, ये तो इस साल मतलब वर्ष पहले बना है। हर साल आते रहते हैं यहाँ गिरौदपुरी में, एक टूरिस्ट प्लेस है, फैमिली के साथ आप लोग आ सकते हो यहाँ, सब कुछ के लिए मिलेगा आपको यहाँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों देखिए कितना लंबा लाइन लगा है और चौड़ा भी, तो श्रद्धालु लोग बहुत ही आते जाते रहते हैं यहाँ, तो साल भर समझो मेला ही है, क्योंकि हर दिन आओगे तो यहाँ पर पब्लिक की कमी नहीं रहती है। ये मेरा मामा, तो मैं तो यहाँ गिरौदपुरी का पूरा ब्लॉग दिखा चुका हूँ, तो वैसे तो यहाँ मेन मंदिर का मेरा भी कम्प्लीट हो चुका है ब्लॉग, तो मैं चलता हूँ दोस्तों, वीडियो को बंद कर रहा हूँ। तो जो 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 मेरे चैनल पे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो धन्यवाद और थैंक यू। यहाँ इस तरफ ये मंदिर के पीछा है, पीछे वाले एरिया है, तो यहाँ नारियल वारियल सब फोड़ा जा रहा है। दोस्तों ये जो दिख रहा है स्वेट हम, इसमें झंडा चढ़ाने के लिए ये जो है वो रखा गया है। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को सामने की तरफ दिखाता हूँ, सामने से दिखाता हूँ क्योंकि मैं पीछे आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, जिन जिन लोगों को नारियल चढ़ाना है बस है, उसके लिए अलग लाइनें हैं और बाहर जाने के लिए अलग लाइनें बनी हुई हैं। और ये जो दिख रहा है समझो ये VIP बोले तो, ये जो पोस्ट नाप है ना, इन लोगों के लिए VIP लाइनें हैं, इसके लाइन पे कोई नहीं आता जाता है। तो कोरोना के टाइम यहाँ पर ये गोला बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मेन गेट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं तो पीछे से आया था क्योंकि पहले चरण कुंड और अमृत कुंड के चला गया था, गेट अभी तो बाईपास के लिए, क्योंकि अभी मेला है ना इसलिए। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा घंटी है यहाँ, तो दोस्तों ये देखिए पूरा कैंपस मेला का, ये जो है ये मेन गेट है यहाँ मंदिर का, अंदर जाने का मेन गेट है। मेन मंदिर का ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है, मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। तो जो जो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो लाइक तो ज़रूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो थैंक यू।